हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है mbbsuniversities.com से, और आज हम बात करेंगे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स की जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हैं वो फेस करते हैं, और उनके सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पेरेंट के लिए या स्टूडेंट के लिए बाहर जाना या एमबीबीएस के लिए अपने बच्चे को बाहर भेजना वो फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। सभी की ऐसी इच्छा होती है कि इंडिया में उनको एडमिशन मिल जाए, पर क्योंकि कम नीट में मार्क्स होने की वजह से इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता तो बच्चे फॉरेन की तरफ रुख करते हैं। इसके लिए पेरेंट्स कई एजेंसीज, कंसल्टेंसीज, डॉक्टर्स, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। सभी एजेंसीज और कंसल्टेंसीज हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करती हैं जिन यूनिवर्सिटीज के साथ वो कोलैबोरेटेड हैं उनके बारे में, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करता है कि बच्चा जब फॉरेन जाएगा तो वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करेगा, क्या उसके स्ट्रगल्स होंगे और किस तरीके से वो उसको सॉल्व करेगा। तो आज हम बेसिकली 10 पॉइंट मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है होम सिकनेस या घर की याद आना। अगर कोई भी बच्चा एमबीबीएस के लिए बाहर जा रहा है इंडिया के, या कोई भी बच्चा अपने घर से दूर जा रहा है इवन इन इंडिया, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जो बच्चा फेस करने वाला है। इनिशियली कुछ टाइम के लिए रहता है और फिर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम चला जाता है, सॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी जगह पे आप 17 साल तक रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने बेड को, मम्मी के हाथ के खाने को ऑब्वियसली मिस करने वाले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मेन गोल क्या है, क्यों आप घर से दूर आए हैं, और इस चीज को भूलने के लिए, होम सिकनेस से फ्री होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं या जो इस चीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो है यूनिवर्सिटी में जाते ही इनिशियल कुछ दिनों के अंदर अपना एक पर्सनल शेड्यूल बना लें कि आप कब उठेंगे, कब सोएंगे, उसको यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के साथ सिंक कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको होम सिकनेस बहुत ही जल्दी फील होना बंद हो जाएगी और आप वहां के वातावरण में ढल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को भी कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करें, चाहे वो आपका सीनियर हो, आपका कोर्समेट हो यूनिवर्सिटी में, कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, चीजों को ऑब्जर्व करें। हर यूनिवर्सिटी के अंदर, आप फॉरेन में पढ़ेंगे, विदेश में या इंडिया में पढ़ेंगे, आपको 10-20% ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका मेन गोल जो है वो पढ़ाई करना नहीं है। वो लोग घूमेंगे फिरेंगे, एग्जाम टाइम पे वो पढ़कर पास भी हो जाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफी अट्रैक्टिव होते हैं, उनको बहुत अट्रैक्शन होता है ऐसे बच्चों से, वो देखते हैं कि उनकी कितनी अच्छी लाइफ है। तो उस चीज से अट्रैक्ट ना होके आप चीजों को ऑब्जर्व करें, स्टार्टिंग के कुछ टाइम हर चीज को देखें, परखें, क्योंकि जो ग्रुप हमारा स्टार्टिंग में बनता है वो अगर बहुत स्टूडियस है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, अगर वो एवरेज स्टूडियस है तो भी हमारे लिए अच्छा होता है, पर अगर हम गलत संगत में स्टार्टिंग में फंस जाते हैं तो वो चीज धीरे 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 हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म कर देती है और हमारी फिर खुद ब खुद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ये छोटी सी चीज है पर हमको इसका ध्यान रखना है कि अच्छी संगत में रहें, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, इवन अपना कोर्समेट ही क्यों ना हो कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। थर्ड पॉइंट जो है वो है नेवर मिस अ क्लास। कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास बंक नहीं करनी है। अक्सर जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे 100% अटेंडेंस का नियम होता है। अगर आपकी 100% अटेंडेंस नहीं है तो वो लोग आपको फाइनल एग्जाम में या सेमेस्टर के एग्जाम में एंट्री नहीं देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि इंडिया में 19 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, और वही 19 सब्जेक्ट एनएमसी में आएंगे या अभी एफएमजी के एग्जाम में आते हैं। लेकिन फॉरेन के अंदर इन 19 सब्जेक्ट के अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग देश में अलग अलग होते हैं। वो चाइना में कुछ और होगा, यूक्रेन में कुछ और होगा, रशिया में कुछ और होगा, जॉर्जिया में कुछ और होगा, और बाकी देशों में भी अलग अलग होंगे। यूजुअली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सीनियर्स की वजह से कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं कि जो 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी हमें क्लासेस जाना है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लास हम अगर मिस भी कर देंगे तो एंड में हमको एग्जाम देने को मिलेगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि 100% अटेंडेंस जरूरी है वो उस चीज को मीन करते हैं, वहां पे वो चीज जरूरी है, तो सारी क्लासेस जाएं, कोई भी क्लास मिस ना करें। क्योंकि अगर आप क्लास मिस करते हैं
तो एंड में आपको प्रॉब्लम होगा, उस टाइम कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि हम नए देश में जा रहे हैं, वहां पे वेदर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि हम इनिशियल फेज में थोड़ा बीमार पड़ जाएं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम अगर क्लास मिस कर रहे हैं क्योंकि हम बीमार हैं, तो उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। हमको सबसे पहले बीमार होते ही अस्पताल जाना है, अस्पताल जाके डॉक्टर से स्लिप ले लेना है कि मैं आज क्लास नहीं गया हूं क्योंकि मुझे ये बीमारी थी, और वो स्लिप फिर आपको डीन को प्रेजेंट करना है। अगर आप डीन को वो स्लिप दिखाते हैं तो ही माना जाएगा कि आप बीमार थे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी वैसे क्लास मिस ना करें, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो भी जरूर जाएं क्लास, लेकिन अगर आप ज्यादा बीमार हैं तो ये स्लिप जरूर लें ताकि डीन को ये पता चले कि आप रियल में बीमार थे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सिक नहीं होना है कभी भी, और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो तुरंत हमको एक्शन लेना है। कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां भी फैटल हो जाती हैं। अभी कैसा है कि लोग बहुत छोटे शहरों में भी चले जाते हैं जहां पे 1-2 लाख का पॉपुलेशन है, तो वहां पे ऑब्वियसली जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो सब स्टैंडर्ड होगा। तो हमेशा कभी भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सीधे डॉक्टर को विजिट करें, डॉक्टर के पास जाएं, कोशिश करें कि आप बीमार ना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उसका सोल्यूशन है, हाइजीनिक रहें, रेगुलरली नहाएं, क्योंकि ठंडे देशों में जाने के बाद बच्चे 2-3 दिन तक नहाते नहीं है, तो रेगुलरली नहाएं, अपने आप को साफ रखें, अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा साफ रखें, ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो बीमार हैं, उससे आपकी हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो तुरंत अस्पताल जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको लगता है कि उस बीमारी का इलाज आपके शहर में नहीं हो पा रहा है तो जो नियरेस्ट सबसे बड़ा शहर है, जहां सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाएं। और अगर फिर भी ट्रीटमेंट के बाद डिजीज प्रोग्रेस कर रही है तो आप इंडिया आएं और यहाँ पे अच्छे से इलाज कराएं, बिकॉज कभी कभी नेग्लिजेंस की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि आपको अपनी हेल्थ को खुद देखना है, कोई भी नहीं है वहां पे, आपके पेरेंट्स नहीं है जो आपको ट्रीट कर पाएंगे या आपको डॉक्टर के पास ले जा पाएंगे, तो अपना खुद का खुद ध्यान रखना है। जैसा मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि कोशिश ऐसी करें कि ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो। 10 लाख पॉपुलेशन फॉरेन के हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन मानी जाती है, और वहां पे मेडिकल जो फैसिलिटीज होती हैं वो अच्छी होती हैं, सब स्टैंडर्ड नहीं होती हैं, तो हमारे लिए अच्छा होता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की वजह से ही सारे एग्जाम्स जो बच्चे यहाँ पे ड्रीम करते हैं, प्लैब, बीयूएसएमएलई, एमसीसीईई, एफएमजीई, सभी एग्जाम तभी क्लियर होते हैं जब हम प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करेंगे। अक्सर बच्चे जब वहां जाते हैं तो अकेले पड़ जाते हैं, सबको पेरेंट्स की आदत होती है कि किसी को मम्मी उठा रही है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो वो बच्चा वहां जाने के बाद उठ ही नहीं पा रहा है, क्लास में नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है ताकि हमारा टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज हो। पहली चीज कि हमको जाते ही शेड्यूल बनाना है कि हम कब सोएंगे और कब उठेंगे, और उस शेड्यूल को यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के हिसाब से बनाना है, उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यूजुअली हॉस्टल्स में बच्चे लेट रात तक जागते हैं, लेट रात तक जागने की वजह से बच्चे मॉर्निंग में लेट उठते हैं, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें कि आप टाइम पे सोएं ताकि आप मॉर्निंग की क्लास मिस ना करें। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लें कि आपको मिनिमम 2-3 घंटे इनिशियल फेज में पढ़ाई करनी है। उससे क्या होगा कि वो चीज आप पूरे कोर्स में कैरी करेंगे। जो इनिशियल में आदत पड़ जाती है, जो स्टार्टिंग में जो आदतें पड़ जाती हैं कॉलेजेस के अंदर, वो थ्रू आउट आपके साथ रहती हैं। अगर आप शुरुआत में 2-3 घंटे पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 80% बच्चे टाइम का यूटिलाइजेशन करने में फेल हो जाते हैं। सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपरली टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं। जब बच्चे स्टार्टिंग में पेरेंट्स के साथ हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो बातें करते हैं कि हमको यूएसएमली देना है, उसके नोट्स कब मिलेंगे, हमको प्लैब देना है, उसके नोट्स कब मिलेंगे, एमसीआई की तैयारी कब से होगी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं विद इन 2-3 मंथ्स वो ये सब कुछ भूल जाते हैं, और रात को बहुत लेट लेट तक बातें चल रही होती हैं हॉस्टल पे, टाइम पर नहीं उठा जाता सुबह, और ये सारे सपने जो यहाँ देखे होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते। लेकिन जो 20% बच्चा सही से टाइम को मैनेज कर रहा है, वो सारे एग्जाम्स क्लियर करता है, क्योंकि रोज रोज थोड़ा पढ़ना ज्यादा जरूरी है एंड में एक साथ पढ़ने से।
आपको प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना है, इस चीज के लिए आपकी मदद करने के लिए वहां पे कोई नहीं आएगा, आपको ही आपकी मदद करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को एमसीआई के नोट्स चाहिए स्टार्टिंग में रीड करने के लिए, तो आप ऊपर दी गई लिंक पे हमारी वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं, www.mbbsuniversities.com। वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराएं और हम लोग आपको ईयर वाइज एमसीआई के नोट्स भेजा करेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले हमारे वीडियोस के लिए हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू।